तो गाइस KPIT टेक्नोलॉजीज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ KPIT टेक्नोलॉजीज की बोर्ड मेंबर्स ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023 का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही एंड उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट चेक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस KPIT टेक्नोलॉजीज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब मिलियंस पे है सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के EPS डेटा को छोड़ के। अभी यहाँ पे हर एक फिगर्स इस कंपनी से रिलेटेड मिलियंस पे तो दिया हुआ है लेकिन डोंट वरी अबाउट इट क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। अभी देखो गाइस यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे उसके बाद ही हम लोग FY 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1023.63 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये दिसंबर 2022 की क्वार्टर एंड मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 938.17 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 664.81 करोड़ का इनकम। तो KPIT टेक्नोलॉजीज ने मार्च 2023 की क्वार्टर में बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 887.93 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 798.87 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 568.13 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 13.26%, दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 14.25% एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 14.54% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 111.58 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 104.06 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 80.59 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो मार्च 2023 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 4.13 की बेसिक में एंड डायलूटेड में निकल के आ रही है 4.09 की। दिसंबर 2022 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है बेसिक में 3.72 की एंड डायलूटेड में 3.68 की एंड मार्च 2022 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है बेसिक की 2.92 की एंड डायलूटेड की 2.89 की। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो KPIT टेक्नोलॉजीज ने मार्च 2023 की क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है प्रॉफिट मार्जिन। सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ को छोड़कर के बाकी कंपनी की इनकम प्रॉफिट एंड EPS ग्रोथ पॉजिटिव में है लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो नेगेटिव में है कंपनी की इनकम ग्रोथ पॉजिटिव रहने के बावजूद। मतलब कंपनी की इनकम कंपनी की जो इनकम है वो जिस रेट से ग्रो कर रही है उसकी मतलब उससे भी ज्यादा रेट से कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो कर रही है मतलब जिस हिसाब से कंपनी की इनकम ग्रो कर रही है उससे भी ज्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो कर रही है इसलिए कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो नो डाउट चाहे कंपनी की इनकम कितना भी बढ़ जाए एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो इस कंपनी की इनकम से भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि कंपनी की एक्सपेंसेस की जो ग्रोथ रेट है वो
मतलब बहुत ज्यादा है कंपेयर टू कंपनी की इनकम की ग्रोथ रेट। सो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के कंपनी की एक्सपेंसेस कंपनी की इनकम से ज्यादा हो ही जाएगा। सो डेफिनेटली एक पॉइंट एंड अगर कंपनी की एक्सपेंसेस कंपनी की इनकम से ज्यादा हो जाता है तो उसका मतलब साफ है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा। सो अगर यही ग्रोथ रेट कंटिन्यू रहती है तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा। लेकिन मार्च 2023 के क्वार्टर में देखो, हम लोग इस क्वार्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मार्च 2023 के क्वार्टर में तो कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म की है, बाकी आगे जो भी होगा देखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अगर मार्च क्वार्टर के बारे में बात करें तो मार्च क्वार्टर में कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है। तो अभी अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 के रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 3405.23 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 2477.19 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। तो अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 2910.84 करोड़ का खर्चा किया है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 2132.85 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 14.52% एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 13.9% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 386.86 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 276.24 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है बेसिक में 14.1 की एंड डायलूटेड में निकल के आ रही है 13.95 की। एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है बेसिक में 10.17 की एंड डायलूटेड में 10.05 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह FY 2022 के कंपैरिजन में पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है। तो अभी अगर ओवरऑल बात करें तो कंपनी ने बहुत ही बढ़िया तो नहीं बोलूंगा, ओवरऑल मतलब अगर दोनों को मिला के बात करें तो कंपनी ने बढ़िया ही परफॉर्म किया है, बहुत बढ़िया नहीं बोलूंगा एंड एवरेज रिजल्ट भी नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है, बढ़िया परफॉर्म इस कंपनी ने किया है बोथ मार्च क्वार्टर में एंड FY 2023 में। तो ये तो हो गया कि कंपनी ने कैसी रिजल्ट की है। अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड के बारे में बात करें तो KPIT टेक्नोलॉजीज के इन्वेस्टर्स को पर शेयर 2.65 रुपीज का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एज द फाइनल डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। अभी इस कंपनी की बोर्ड मेंबर्स ने यहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट तो डिक्लेयर कर दिया है लेकिन ना तो रिकॉर्डेड अनाउंस किया है और ना ही पेमेंट डेट, वो दोनों बाद में डिक्लेयर कर देंगे, मतलब उन दोनों के बारे में बाद में अनाउंसमेंट होगा। सो वो दोनों अनाउंस होते ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अभी तक इतना तो तय है कि इस कंपनी की इन्वेस्टर्स को 2.65 रुपीज का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड आई गेस बाई जून कंपनी की जो रिकॉर्ड डेट है वो अनाउंस हो जाएगा, डेफिनेटली रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो जाएगा। बाकी रिकॉर्ड डेट बाद में भी हो सकता है अगस्त में जाके मिले आप लोगों को डिविडेंड, लेकिन रिकॉर्ड डेट का जो अनाउंसमेंट है आई थिंक जून के आसपास हो ही जाएगा, मतलब जून के महीनों में हो ही जाएगा। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।